हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स सेम सिविल इंजीनियरिंग SBT झारखंड का जो आपका ब्रांच पेपर है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, उसका आज हम फोर्थ चैप्टर करने वाले हैं, मोड ऑफ मेजरमेंट का पार्ट वन ये वीडियो है, ठीक है। और इस टॉपिक्स में हम कवर करेंगे टॉपिक्स कवर्ड इन दिस लेक्चर, फर्स्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क, सेकेंड डिजायर्ड एक्यूरेसी इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क, थर्ड है आपका रूल्स ऑफ डिडक्शन फॉर ओपनिंग एज पर IS 1200 फॉर ब्रिक वर्क, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सभी आपके SBT झारखंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ही हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क है ना। तो हमें इस फर्स्ट टॉपिक में जानना है कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क, तो जैसे कि सीरियल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम दिया हुआ है, उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट दिया हुआ है। तो फर्स्ट में है अर्थवर्क। तो अर्थवर्क जो आइटम्स ऑफ वर्क है उसे हम किस में मेजर करते हैं, तो अर्थवर्क का जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होता है वो है मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अर्थवर्क का जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होता है वो होता है मीटर क्यूब। उसी प्रकार जो है PCC फॉर फाउंडेशन, उसे भी हम मीटर क्यूब में मापते हैं। RCC को मीटर क्यूब में, ब्रिक वर्क को मीटर क्यूब में, स्टोन वर्क को मीटर क्यूब में, वुड वर्क फॉर डोर एंड विंडो फ्रेम, दैट मीन्स आपका जो दरवाज़ा और खिड़की का जो चौखट होता है उसका माप भी हम मीटर क्यूब में करते हैं। लेकिन डोर एंड विंडो शटर, उसका जो पल्ला होता है डोर एंड विंडो का, उसे हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है सीमेंट कंक्रीट ग्रिल वर्क, उसे भी मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। DPC डैम प्रूफ कोर्स, जो प्लिंथ लेवल पे दिया जाता है ना, ताकि जो है मॉइस्चर जो है नीचे से दीवार के ऊपर ना चला जाए, इसीलिए DPC दिया जाता है, जिसे डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं, उसे भी हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 सेंटीमीटर थिक वॉल मीटर स्क्वायर में, प्लास्टर एंड पॉइंटिंग मीटर स्क्वायर, फ्लोरिंग मीटर स्क्वायर, स्कर्टिंग मीटर स्क्वायर, ग्रिल्स एंड कोलैप्सिबल गेट मीटर स्क्वायर, टाइल्ड रूफिंग AC सीट जिसे हम एस्बेस्टस सीट कहते हैं, एंड GI सीट मीटर स्क्वायर, सेंटरिंग एंड शटरिंग और फोम वर्क, यानी कि कॉलम या बीम या स्लैब जब बनाते हैं तो उसे हमें नीचे से सपोर्ट देना पड़ता है शटरिंग के लिए, है ना, पटरा वगैरह ये सब चाहिए होता है, तो वो सभी भी जो है हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। ऑयल पेंट एंड कलरिंग RMT दैट मीन्स रनिंग मीटर, मीटर में लेंथ में मापा जाता है। रेलिंग RMT। नेक्स्ट 90 नंबर पाइप, नंबर्स में मेजर किया जाता है। पाइप का जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होता है वो नंबर में, कितनी पाइप लगाई गई है। ब्रिक्स ऑन एज नंबर्स, WC पैन वाटर क्लोजेट पैन / वॉश बेसिन, है ना, पैन टॉयलेट का जो होता है ना, उसे भी नंबर्स में मेजर किया जाता है। मैन होल कवर्स नंबर्स में, साइट क्लियरेंस एक ऐसा काम है जिसे लमसम में मेजर किया जाता है। MS रेनफोर्समेंट दैट मीन्स माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट के हमें जो है KG या मेट्रिक टन में मेजर किया जाता है। टिम्बरिंग और टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस, है ना, ट्रेंच में जो टिम्बरिंग किया जाता है ताकि मिट्टी गिर के भर ना जाए ट्रेंच, उसे भी जो है मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। ग्राउंडिंग फॉर क्रैक जॉइंट मीटर स्क्वायर, सरफेस ड्राइंग मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजायर्ड एक्यूरेसी इन टैकिंग मेजरमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क। तो कहने का मतलब कि अलग अलग आइटम्स ऑफ वर्क को मेजर करने के लिए हमें क्या एक्यूरेसी लेनी पड़ती है, तो इसे समझने के पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें खुद पर खुद समझ में आ जाएगा कि किस में ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करना होता है, किस आइटम्स ऑफ वर्क में और किस में कम, है ना। तो मान लीजिए कि ये आपका जो है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन है, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 50 सेंटीमीटर और ये जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर और दीवार की जो लंबाई है वो 100 मीटर है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट लेकर के हम LB 50 सेंटीमीटर यानी 0.5, D 30 सेंटीमीटर यानी 0.3, एग्जैक्ट मेजरमेंट लेकर के जब हम क्वांटिटी निकालते हैं तो 15 मीटर क्यूब आता है, ठीक है, ब्रिक वर्क। लेकिन
अगर लेंथ में 1 सेंटीमीटर हम ज़्यादा मेजर कर लेते हैं, ठीक है, उसमें 1 सेंटीमीटर ज़्यादा मेजर कर लेते हैं मेजर करते समय, तो क्या हो जाएगा, +1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, यानी 1/100.01, है ना, यानी कि टोटल लेंथ अब हो जाएगा 100.01 मीटर, ये हो जाएगा। लेंथ में 1 सेंटीमीटर जो है गलती से ज़्यादा मेजर हो गया जो होना चाहिए था। तो विड्थ और डेप्थ सेम है, तो इसके बाद जो क्वांटिटी आया वो आया 15.0015 मीटर, लगभग इसके बराबर है, 2 डिजिट 00 है मतलब 15 के बराबर है, यानी कि लेंथ में थोड़ा बहुत इधर होने के बाद इसमें क्वांटिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन इस बार हम क्या करते हैं कि 50 सेंटीमीटर मेजर करने के जगह इसके विड्थ में, है ना, ये जो आपका ब्रिक वर्क है इन फाउंडेशन उसके विड्थ में जो है 1 सेंटीमीटर ज़्यादा मेजर कर लेते हैं। तो अब 0.51 हो जाएगा, ये 100 है और ये 0.3 है एज इट इज़ जो था। तो इसके बाद जो टोटल क्वांटिटी आया 15.3, 15 होना चाहिए लेकिन 15.3 है, यानी कि 0.3 मीटर क्यूब जो है ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब कि लेंथ में जो है थोड़ा बहुत इधर उधर होने से हमारे ओवरऑल क्वांटिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन जो छोटी डायमेंशन है विड्थ उसमें हल्का सा भी इधर उधर हो जाने से हमारे ओवरऑल अमाउंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है 0.3 मीटर क्यूब का। सिमिलरली हम जब डेप्थ 30 सेंटीमीटर के जगह 31 सेंटीमीटर लेते हैं तो देखिए 15.5 आ गया, यानी कि 0.5 मीटर क्यूब 0.5 मीटर क्यूब का डिफरेंस आ गया, यानी कि लीस्ट डायमेंशन जो होती है उसे हम बहुत ही एक्यूरेसी से मेजर करना होता है, लेकिन जो बड़ा जो डायमेंशन होता है उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होने से ओवरऑल अमाउंट पे ज़्यादा डिफरेंस, ओवरऑल क्वांटिटी पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। यानी कि जब भी हम ये ब्रिक वर्क मेजर करेंगे तो विड्थ और डेप्थ को बहुत सही से मेजर करेंगे, और लेंथ में थोड़ा बहुत इधर उधर होने से हमारे क्वांटिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि लीस्ट डायमेंशन को बहुत ही एक्यूरेसी से मेजर करना है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से। अब देखिए, अब सेकेंड केस क्या है कि लोअर रेट वाले जो भी आइटम है जैसे अर्थवर्क है, साइड क्लियरेंस है, इसका रेट जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, ये जो है सस्ती है, सस्ते में जो है इससे ये सारा काम हो जाता है। तो इसके डायमेंशन में इधर उधर फ़र्क होने से किसी को ज़्यादा डिफरेंस, किसी कॉन्ट्रैक्टर को या गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो महंगी रेट वाली है, हाइयर रेट वाली जो आइटम्स ऑफ वर्क है उसमें हल्का सा भी इधर उधर हो जाने से अमाउंट में, रेट में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्टर को और गवर्नमेंट को भी जो है बहुत ज़्यादा हानि पहुँच सकती है। तो जो महंगी आइटम वाली, जो हाइयर रेट वाली जो आइटम होते हैं होती है उसे बहुत ही सावधानी से और बहुत ही एक्यूरेट मेजर करना होता है। इन जनरल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें लिखना है वो ये है कि डायमेंशन शुड बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.01 मीटर के आसपास लिया जाता है, एंड एरिया शुड बी वर्क आउट टू द नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर स्टैंड्स फॉर मीटर स्क्वायर, एंड थर्ड क्यूबिक कॉन्टेंट दैट मीन्स वॉल्यूम शुड बी वर्क आउट टू द नियरेस्ट टू 0.01 क्यूबिक मीटर, दैट मीन्स मीटर क्यूब। ऊपर में आपको दिखाया गया है SQM स्टैंड्स फॉर मीटर स्क्वायर एंड CU.M स्टैंड्स फॉर मीटर क्यूब। फोर्थ एंड लास्ट है आपका थिकनेस ऑफ स्लैब पार्टीशंस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम्स पीलर्स बीम्स etc शुड बी टेकन टू द नियरेस्ट 0.5 सेंटीमीटर, चूँकि ये सभी आइटम्स के जो रेट होते हैं बहुत हाई होते हैं, इसलिए इसे बहुत एक्यूरेट मेजर करना होता है। तो नियरेस्ट 0.5 सेंटीमीटर दैट मीन्स 0.005 मीटर मेजर किया जाता है, ठीक है। थर्ड जो हमारा टॉपिक्स है इस लेक्चर के अंदर वो है रूल्स ऑफ डिडक्शन फॉर ओपनिंग्स एज पर IS 1204 ब्रिक वर्क। जब भी हम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, तो ब्रिक वर्क निकालते हैं फाउंडेशन में अप टू प्लिंथ, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर में। तो सुपर स्ट्रक्चर में बहुत सारे चीज़ होते हैं जैसे कि लिंटल के बियरिंग्स होते हैं, है ना,
ये देखिए, ये अगर डोर है, विंडो है, तो इसका जो बियरिंग्स होता है ये जो दीवार में रहता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोर अगर है तो वो भी जो है चारों तरफ दीवार में इस तरह से चारों तरफ जो है उसका बियरिंग रहता है एज ए सपोर्ट, ठीक। तो ये सभी चीज़ रहते हैं। तो पहला हम जानें कि किस किस चीज़ में जो है डिडक्शन नहीं किया जाता है। ब्रिकवर्क में उस चीज़ के लिए जो है डिडक्शन नहीं किया जाता है। तो नो डिडक्शन इज मेड फॉर फ्लोइंग। फर्स्ट है ओपनिंग ईच अप टू 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई भी ओपनिंग अगर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, या उसे मीटर स्क्वायर में बोले तो 0.1 स्क्वायर मीटर हो, फीट में 1 स्क्वायर फीट का अगर कोई भी ओपनिंग है, तो उसके लिए कोई डिडक्शन अलग से नहीं किया जाता है। सेकेंड, एंड्स ऑफ बीम। जब भी हमारे स्ट्रक्चर में बीम लगा होता है तो उसके एंड में, वो एंड जो होता है वो रेस्ट करता है वॉल पे, तो वहाँ पे तो ब्रिक नहीं होंगे, फिर भी उसके लिए भी जो है एंड्स ऑफ बीम के लिए, पोस्ट के लिए, राफ्टर के लिए, पर्लिंस के लिए, है ना, उसके लिए जो है डिडक्शन मैड नहीं किया जाता। कहाँ तक? अप टू 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। मीटर में हो जाएगा 0.5 स्क्वायर मीटर एंड फीट इंच में हो जाएगा 72 स्क्वायर इंच, ठीक है। तो इतना तक जो है बीम के एंड, बीम, पोस्ट, राफ्टर, पर्लिंस के एंड में कोई डिडक्शन मैट नहीं किया जाता है, है ना, ब्रिकवर्क में इसको नहीं घटाया जाता है। नेक्स्ट है बेड प्लेट, वॉल प्लेट, बियरिंग ऑफ छज्जा। जो भी छज्जा खिड़की की होती है ना, तो वो छज्जा जो है वॉल में थोड़ा सा बियरिंग किया रहता है, रखा रहता है सपोर्ट के लिए, तो वहाँ पे तो ब्रिक नहीं रहेगा, तो उसे हम नहीं घटाते। फिर भी उसके लिए जो है बियरिंग के लिए, छज्जा के बियरिंग के लिए वहाँ से ब्रिकवर्क को डिडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है बियरिंग ऑफ फ्लोर, रूफ स्लैब आर नॉट डिडक्टेड। तो ये सभी का भी जो बियरिंग होता है वॉल में, जहाँ पे आपका ब्रिक नहीं लगाया जाता है, ब्रिक के जगह ये सभी होते हैं, इसके बियरिंग्स होते हैं, तो वहाँ पे भी इसके लिए अलग से ब्रिक वर्क में अलग से डिडक्शन नहीं किया जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और वीडियो को छोटा करने के उद्देश्य से, ताकि कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकूं, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी किया। फिर भी अगर आपको इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।